सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? वो किधर? तुम किधर? सुनो भाई, मैं कह रहा कि जो मेरे पास है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हमारा हो रखा है, आज एक हेडिंग डाल लो, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई थोड़ा ना सब फोकस रहना, ये पूरी तुम्हारी 60 मिनट की क्लास बचेगी, ठीक है? तो हल्का सा भी किसी का ध्यान ना हटे। तो मैं क्या बता रहा हूँ भाई, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है, ठीक है? बात समझ आ रही है भाई? वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई पहले समझो, मैंने तुम्हें गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, पता है सबको? मतलब कि नॉर्मल है, सुपर, एवरेज, ठीक है, और क्या है, मतलब कैपिटलाइज, ठीक है? तो सबको याद आता है ना कैपिटलिस्ट मेथड? तो अब भाई आज हमारे पास एक छोटा सा तरीका और बता रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? हिडन गुडविल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भाई हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। भाई सबको बस इससे एग्जांपल समझना है, कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में अगर गुडविल नहीं होता तो हमें क्या करते हैं, मान लो ए और बी मेरे पास पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है, ठीक है? ये पुराने पार्टनर है, न्यू पार्टनर मेरे पास है। सुनो, और जो ए और बी की जो कैपिटल है वो 2 लाख, ठीक है, और 3 लाख है, 2 लाख और 3 लाख। जो मेरे पास अगला पार्टनर है सी, वो मेरा न्यू पार्टनर है, इसका जो प्रॉफिट का शेयर है 1/4 है। कितना है इसका? 1/4 इसका प्रॉफिट का शेयर है, और हमें जो है फर्म की गुडविल की वैल्यू नहीं पता, ठीक है? बात समझ आ रही है? और जो न्यू पार्टनर जो है, इसके पास जो इसका एक तरीके से मान लो जो कैपिटल ये लेके आया है, ठीक, इसका कैपिटल मेरे को गिवन होगा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल मान लो मेरे पास है भाई, यहाँ पे 6 6 2 8, हाँ भाई 3 लाख है। कितने मेरे पास? 3 लाख। जो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितने मेरे पास? 3 लाख है। अगर मैं यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालने की बात करूं, वो कैसे आएगी समझो। पहले पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल, जिसको हम नेटवर्थ बोलते हैं। सुनो, पहले हम क्या निकालेंगे? नेटवर्थ, ठीक है? क्या बोलते हैं भाई इसको? नेटवर्थ बोलते हैं, ठीक है? नेटवर्थ निकालने के साथ देखो, हमें इस तरीके से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इसको रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स का शेयर, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। बात समझ आ गई वाली? कितना भाई इसका? 3 लाख। इसकी जो कैपिटल कितनी है? 3 लाख है। इसका रेसिप्रोकल 4/1, 4 × 12 कितना है मेरे पास? 12 लाख। नेटवर्क कितनी मेरे पास है भाई? 12 लाख। बात समझ आ गई? नेटवर्थ मेरे पास 12 लाख है। करना क्या हमें, अगर हमें इस तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, तो जो मेरे पास नेटवर्थ है उसमें से टोटल पार्टनर्स कैपिटल हम निकालते हैं। पहले टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का मतलब है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भाई कितनी है? 2 लाख प्लस 3 लाख। और भाई जो न्यू पार्टनर है कितनी उसकी? उसकी भी 3 लाख है। टोटल बताया भाई? 8 लाख। जो मेरे पास टोटल कैपिटल है कितने की भाई? 8 लाख है। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू मेरे पास क्या है भाई? जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ माइनस टोटल कैपिटल, ठीक है? ये बात समझ आ रही है भाई? तुम्हें नेटवर्थ निकालने के और तरीके पता होना चाहिए। पता ना क्या है नेटवर्थ तरीका? अच्छा बताओ, जो नेटवर्थ नेटवर्थ निकालने का तरीका और किस किस को नहीं पता? पहले बता चुका हूं मैं,
नॉर्मल सा मेरे पास भाई कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर फिर जाके जो तुम्हारे पास है नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो तुम्हारे पास होता है इसको ऐड करते हैं। उसके बाद तुम्हें तुम्हें लेस करना होता है फिक्टीशियस एसेट्स, फिर तुम्हें माइनस करना होता है भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये वाली बात बता चुका हूं मैं, ठीक है सुनो यहाँ पे। तो कितने पास नेटवर्थ कितने की है, 12 लाख की, 12 लाख में से कितना माइनस करना है, 8 लाख, 8 लाख को माइनस करो, कितना मेरे पास गुडविल, 4 लाख की मेरे पास गुडविल है, जो मेरे पास गुडविल कितने की है भाई, 4 लाख की गुडविल है। इसमें दिक्कत है किसी को, मैं तुम्हें नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं क्योंकि पहले लिखवा चुका हूं, फिर भी नेटवर्थ तुम्हारे पास है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, इसमें हमें प्लस करना होता है नेट, नेट क्या भाई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, इसमें तुम्हें ऐड करना है नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। भाई पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि नेट का मतलब क्या है, अगर इसके अगेंस्ट कोई सा क्लेम है उस क्लेम को माइनस करके, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है क्लेम को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाए भाई नेट, बस तुम आ गई तो मेरे पास ये आ गया। फिर तुम्हें इसमें से अगला माइनस करना है फिक्टीशियस असेट्स, क्या माइनस करोगे फिक्टीशियस असेट्स, फिर अगला मेरे पास है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, ये वाली बात तो पता होना चाहिए नेटवर्थ निकालने की, ठीक है। इसमें अगर कोई अटक रहा है इसका मतलब उसकी जो लास्ट क्लास है या फिर मतलब कि जो पहले के जितने टॉपिक है उन सब में दिक्कत है, ठीक है भाई बताओ अगर इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो। ये तुम्हारा गुडविल का एक तरीका और था जो तुम्हें बता चुका हूं, इसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल, क्या बोलते हैं इसको भाई हिडन गुडविल, हिडन गुडविल आनी चाहिए, बहुत ही आसान सा होता है, ठीक इसको बच्चे जो है हवा बनाते हैं बिना बात का, क्या फोकस था सब सबका हो गया वाला। आगे देखो भाई सबको एक बात बताया, जब भी जो पार्टनर एडमिट होते हैं तो पार्टनर के एडमिशन के साथ एक नई बात आती है, सुनो क्या बोला मैंने, जब पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है मैं दूसरी तुम्हें बातें बता रहा हूं, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है दैट केस वो दो चीजें लेके आता है, सबसे पहला वो हिज कैपिटल, ठीक है हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल, भाई ये तुम्हारे पास जो कैपिटल है या फोकस करो, कैपिटल तुम्हारे पास जो है कितने तरीके से हो सकती है, सबसे पहला वो या तो कैश या बैंक में लेके आए, या तो कैश या फिर बैंक में लेके आए, दूसरा इन काइंड, इन काइंड, काइंड का मतलब क्या है वस्तु के रूप में, बोल सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है और एनी असेट्स, और एनी असेट्स इसको बोलते हैं इन काइंड, ये बात सुन आ रही है, हाँ भाई इसमें दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा है वो His amount of capital, दूसरा जिसको हम बोलते हैं amount of goodwill, amount of goodwill, ठीक है amount of goodwill को और हम क्या बोलते हैं premium of goodwill, जो मेरे पास premium of goodwill है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ये बात समझ आ रही है, जो मेरे पास amount of goodwill या फिर जो मेरे पास premium of goodwill है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके भाई हमारे पास कुछ कुछ केस है, ठीक है बात समझ आ रही है, मेरे पास क्या है कुछ कुछ केसेस है कि जो पार्टनर है वो गुडविल को कैसे कैसे लेके आ सकता है, बात समझ आ रही है सुनो, मैंने बोला यहाँ पे कि जो मेरे पास व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड तो वो दो चीज लेके आता है, पहले उसके पास है हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल, दूसरा इसके पास है हिज अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, ठीक है बात समझ आ रही है, हाँ भाई अभी आप फोकस करो, जो मेरे पास भाई वैसे ना प्रीमियम फॉर है, ठीक है ऑफ नहीं प्रीमियम फॉर, प्रीमियम फॉर गुडविल है या फोकस करो। देखो भाई मैं तुम्हें इसके काइंड इसके तरीके बता दिए, पहला तुम्हारे पास क्या है कैश या बैंक में लेके आएगा, दूसरा
वो काइंड में लेके आया कैपिटल को। हम अगर इसकी बात कर दें तो इसको किस किस तरीके से ला सकता है, वो सारी बातें यहाँ लिखवा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहला भाई वो कैश या बैंक में लाएगा लेकिन अंडर द टेबल, क्या बोलते हैं उसको, अंडर द टेबल। ठीक है, अंडर द टेबल क्या होता है, प्राइवेटली। ठीक, मैं तुमसे पहला सब बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो पहला है इसको बोलते हैं प्राइवेटली, इसको भाई और क्या बोलते हैं, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, देखो भाई अंडर द टेबल का मतलब क्या है, वो किसी भी एक पार्टनर को छुपके से देगा, अपने आप को एडमिट कराने के लिए किसी भी एक पार्टनर को छुपके से देगा। अगर छुपके से दे रहा है इसका मतलब इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो रिकॉर्ड। जब भी तुम्हारे पास प्राइवेटली गुडविल आ जाए ना तो इसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये वाली बातें पता लगी। ठीक है, ये तुम्हारा पहला तरीका है। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात कर दूं, मेरे पास सेकंड क्या है भाई, दूसरा हो सकता है कि भाई वो जो तुम्हारे पास लेके आए और वो कैश में लेके आए या फिर चेक से लेके आए, क्या बोला मैं, या तो कैश से या फिर चेक। चेक का मतलब बता रहा क्या होता है, बैंक। अब सुनो भाई, इसके अंदर भी दो बातें हो सकती हैं, क्या बोला मैंने, इसके अंदर मेरे पास दो बातें होती हैं। सबसे पहला अगर वो लेके आया है तो हो सकता है कि जो हमारे पास, सुनो जब लेके आ गए ना, इसमें दो केस आते हैं, जब भी तुम्हारा प्रीमियम ऑफ गुडविल आता है, क्या बोला मैंने, जब भी तुम्हारा प्रीमियम ऑफ गुडविल आएगा तो पार्टनर दो चीज डिसाइड करते हैं इसमें से, या तो वो इसको विथड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या बोला मैंने, या तो विथड्रॉ कर लेंगे या फिर दूसरा रिटेन, रिटेन इन बिजनेस, या फिर वो बिजनेस में छोड़ देते हैं ताकि आगे पैसा काम आ जाए। समझे चीज, क्या बोल रहा हूं मैं, पहला हो सकता है कि भाई जो पार्टनर है, देखो जो तुम्हारे पास प्रीमियम ऑफ गुडविल है, मतलब प्रीमियम फॉर जो गुडविल है, वो तुम्हारा प्राइवेटली जिसका जिसकी कोई एंट्री नहीं होती उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। फिर दूसरा कैश या चेक जिसको बैंक से लेके आते हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इन दैट केस मेरे पास या तो जो पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, मैंने क्या बोला, जो मेरे पास ओल्ड पार्टनर है भाई, तुम्हारे पास जो ओल्ड पार्टनर है या तो वो विड्रॉ कर लेंगे या फिर रिटेन इन बिजनेस, या तो विड्रॉ कर लेंगे या फिर बिजनेस के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत है किसी को? अब सुनो अगला, ये तुम्हारा दूसरा हो गया। तीसरा अगला मेरे पास है इन टर्म्स ऑफ काइंड, वो काइंड में लेके आएंगे। समझा कुछ, क्या बोला मैंने, वो काइंड में लेके आ सकते हैं। अगला मेरे पास है भाई, जो तुम्हारे पास है चौथा, चौथा हो सकता है कि भाई वो आधा लेके आए, क्या बोला मैंने, वो सिर्फ आधा लेके आए। समझे, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास ऐसा हो सकता है कि भाई वो सिर्फ आधा पैसा लेके आए। ठीक है, आधा मैं बोल दूं कि पार्ट प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो सिर्फ अपना पार्ट प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आए। इसका मतलब मेरे पास ये है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो अमाउंट है वो उसको पड़ रहा था 1,00,000 रुपए, वो सिर्फ लेके आया 70,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए उसका प्रीमियम फॉर गुडविल पड़ रहा था लेकिन वो सिर्फ 70,000 रुपए लेके आया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहली बात भाई, अगर कभी भी ऐसा केस तुम्हारे पास आता है तो इसका जो बाकी रिमेनिंग है, क्या बोला मैंने, इसका जो रिमेन है, रिमेन को हम कहां से रिकवर करेंगे बताए, रिमेन को जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट खोल देंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या बोला मैंने, जो न्यू पार्टनर है उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। भाई इन बातों को तुम्हें याद रख के चलना है। फिफ्थ केस है तुम्हारे पास, इसमें भाई यहां तक अगर किसी को कुछ भी दिक्कत तो पूछ लो एक बार, किसी को इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। सुनो, जो इसका रिमेनिंग है वो न्यू पार्टनर्स, यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, जैसे मान के चलो कि भाई 1,00,000 रुपए का था, 1,00,000 में से 70,000 लेके आया, तो 70,000 तो उसका क्या मेरे पास, जो उसका कैश या बैंक डेबिट होगा, समझ रहे हो,
हमारे पास 70,000 का कैश है, बैंक डेबिट कर देंगे कि हाँ भाई 70,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ गया, लेकिन जो बाकी के उसके जो 30,000 रुपए हैं, जो बाकी के 30,000 रुपए हैं वो कहां से लेके आएगा भाई? वो पार्टनर्स का, जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे बैलेंस अमाउंट से, जो तुम्हारा रिमेनिंग है ना उस अमाउंट से। और अगर बोल तू बिल्कुल लेके नहीं आया, मेरे पास आ गया भाई वो लेके नहीं आया, नॉट ब्रिंग प्रीमियम भाई फॉर है, ठीक है मैं बार बार फॉर दे रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या बोला मैंने, अगर नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर ऐसा तुम्हारे पास होता है कभी भी कि जो तुम्हारा पार्टनर है वो बिल्कुल भी लेके नहीं आता, तो भी सेम केस करेंगे, जो उसका फुल अमाउंट है, फुल अमाउंट क्या करेंगे भाई, डेबिट कर देंगे हम उसका करंट अकाउंट, क्या करेंगे उसका डेबिट, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है हम डेबिट कर देंगे इसका करंट अकाउंट विद फुल अमाउंट, बताओ भाई इन बातों में दिक्कत किसको है? हाँ, इसमें से किसी को पूछ रहा है भाई कुछ? ये तुम्हारी बहुत ही नॉर्मल सी और सिंपल सी बात है, बताओ कैश वाले में कुछ नहीं है, ये कैश में चेक में लेके आएगा ना, तो मेरे पास ये देखो नॉर्मली लेके आया, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि लेके आया, ये तुम्हें मैंने एडिशनल बातें बताई हैं, ठीक, ये जो बातें तुम्हारी है एडिशनल है। चौथा, मेरे पास है पार्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो ऐसा होता है कि मैं तुमसे बोल दूं कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि गुडविल की वैल्यू थी मान लो 8 लाख, ठीक है, उसका 10% मान लो उसको 80,000 लेके आना है, ठीक, 80,000 में से सिर्फ वो मान के चलो कि 60,000 लेके आया, 60,000 कैसे लेके आ गया और बाकी लेके नहीं आया, तो जितना नहीं लेके आएगा ना उतने से उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है, इन सबको डिटेल में समझाया जाएगा अभी। सुनो मैं क्या बोला कि भाई कैश और चेक, ठीक, इससे बस ये तुम्हारे पास है ना जो विड्रॉ और रिटेन इन बिजनेस, ये तुम्हारा एक एडिशनल, तुम्हारी एडिशनल बातें हैं, एडिशनल बातें इन द सेंस ये तुम्हारे सब में अप्लाई करती है, ये तुम्हारी अप्लाई सब में करती है कि भाई हो सकता है कि जो पार्टनर है जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको निकाल के घर लेके चला जाए, ठीक, पहला केस ये होगा कि वो पैसा निकाले और घर लेके चला जाए, ठीक है, दूसरा क्या होगा भाई, वो पैसे नहीं निकाला उसी में छोड़ दे रहा है, समझा कुछ? देखो अगर वो पैसे नहीं निकालेगा ना तो उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, समझा कुछ? अगर पार्टनर जो है रिटेन कर रहा है तो उसकी कैपिटल क्या है, बढ़ जाएगी, और अगर रिटेन नहीं करता तो वो भाई उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, और कंपनी के अंदर से, फर्म के अंदर से पैसा खत्म हो जाएगा, समझे, थोड़ा सा पैसा कम होगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ एक बार दोबारा से, यहाँ देखो भाई मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, जो तुम्हारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल है इसकी ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकती है भाई। पहला मैंने तुमसे बोला कि जो पार्टनर है विड्रॉ कर लेगा भैया, हर एक केस में, सिर्फ एक केस में नहीं है वो, हर एक केस में, ठीक है, ये सब केस में अप्लाई करते हैं ये दोनों। सुनो पहले मेरे पास क्या भाई, वो विड्रॉ कर लेगा, दूसरा रिटेन इन बिजनेस, रिटेन इन बिजनेस, ठीक है, पहले केस में वो विड्रॉ करेगा और दूसरे में रिटेन इन बिजनेस। अगर ये विड्रॉ करता है इसके जो इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट है, सबसे पहले इनका जो कैपिटल है, ठीक, इनका जो कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल तुम्हारा इसका कम हो जाएगा, और जो मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल तुम्हारे पास है ना, जो पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल का जो तुम्हारा बैलेंस है तुम्हारा हो जाएगा लो, ठीक है, और जो तुम्हारे पास फर्म की जो, फर्म में जो कैश है, फर्म का कैश का बैलेंस या फिर जो बैंक का बैलेंस है वो भी तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अगर मैं इसकी तुम्हें एंट्री बताने की सोच तो ऐसा बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, अगर काइंड में है ना, हो सकता है भाई वो पार्टनर वो काइंड लेके चला जाए, ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर
अगर रिटेन इन बिजनेस है तो भाई रिटेन इन बिजनेस का इफेक्ट तुम्हारे पास जो तुम्हारी कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और कैश तुम्हारा बढ़ जाता है, समझा कुछ। अब सुनो भाई, मैं सबको एक एक करके डिटेल में समझा रहा हूँ, तुम्हारे जितने केस है ना मैं सबको एक एक करके समझा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, या देख लो सब भाई, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो सब अपनी लिखने की। हाँ भाई, सबसे पहला केस तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल एक मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है, जो पहला केस इधर का होगा सबका, इसमें इधर को लटका हुआ इधर वाले में, भाई जो तुम्हारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस के अंदर क्या मेरे पास प्राइवेट है, प्राइवेटली अगर कभी भी तुम्हारा जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, सुनो, अगर कभी भी जो तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल है वो अगर प्राइवेटली दिया जा रहा है, मैं बस छोटी सी बात बोलूंगा, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, ठीक है, पहला केस सबको क्लियर है। हाँ भाई, सबको पहला केस क्लियर है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। मुझे पहले अभी भी ये बता दो किसको जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग नहीं आती, ऐसा कौन कौन है जिसको जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग नहीं आती है, याद है तुम्हें भाई, जिसको नहीं आएगी उसको दिक्कत आएगी, देख लो, तुमने किसी ने हैंड रेस किया नहीं है, ठीक, मैं हल्का सा फिर भी सोचूंगा कि तुम शर्मा रहे हो इसलिए नहीं बता रहे, तो मैं बता दूंगा एक बार, ठीक। सुनो, मेरे पास अगला है, या तो वो कैश और बैंक में लेके आ रहा है, क्या बोला मैंने, कैश या फिर बैंक में लेके आ रहा है, अगर वो तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल कैश या बैंक में लेके आता है तो हमारे पास इसकी एंट्रीज वगैरह क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, वो सारी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहला भाई, वो पैसा लेके आएगा, ठीक, सबसे पहले उसके पैसे लेके आने की एंट्री, ठीक है, सुनो भाई, फॉर ब्रिंगिंग अमाउंट अमाउंट ऑफ गुडविल, जिसको हम ना प्रीमियम फॉर गुडविल बोल सकते हैं, अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो देखो, सबसे पहले सब सुनो भाई, सब हमें पता है कि हमारे फर्म के अंदर एक इनकम आएगी, सबको रूल्स पता है, डेबिट क्रेडिट के, कैश है असेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल एक टाइप की इनकम हो गई पार्टनर की, ठीक है, पार्टनर को पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बोल सकते हैं कैपिटल का पार्ट है, वो अपने कैपिटल का पार्ट लेके आ रहा है, ठीक, तो पार्टनर्स के पास पैसा है, एक तरीके से पैसा आ रहा है वो, ठीक, तो किसकी वजह से आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो मैं यहाँ पे कैश या फिर जो बैंक का बैलेंस है, कैश या बैंक का अकाउंट मेरे पास डेबिट हो जाएगा, और टू प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल, बताओ भाई ये पहली एंट्री क्लियर सबको। अगर मैं तुमसे दूसरी एंट्री बोल दूं कि भाई अगर हाँ भाई, अगली एंट्री मेरे पास है, जो पार्टनर है ना वो अपने लिए कैपिटल का अमाउंट लेके आया, यहाँ पे क्या लेके आया, अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको मैं बोल सकता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इसको ये बोलते हैं, ठीक है। दूसरे में लेके आया भाई, मतलब कि ब्रॉट ब्रिंग डाल दिया सिंपल, ब्रिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल, भाई तुम्हारे पास क्या हो, अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आया है, अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आया है तो मैं नॉर्मल सी बात क्या बोलूंगा बता सबको, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर कैश या बैंक का अकाउंट उसका हो जाएगा डेबिट, और टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट लेके आएगा वो यहाँ। अभी भाई एक बात फोकस करो यहाँ पे, हम इन दो एंट्री के बदले एक सेपरेट एंट्री पास कर सकते हैं, अगर मुझे को ये दोनों एंट्री पास नहीं करनी तो इसके बदले में एक सिंगल सी एंट्री पास करता हूँ, तो भाई साहब देख लो, इन दोनों एंट्री के बदले सिंगल एंट्री पास हो सकती है, और पास कैश या फिर बैंक का अकाउंट तुम्हारे पास हो जाएगा डेबिट, और टू प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इन दोनों एंट्री के बदले हम नॉर्मल सी एक एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक। अब सुनो, तुम सबसे मैंने एक बात कही थी भाई कि जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, हाँ भाई इसमें पता नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर क्यों आता है न्यू पार्टनर, हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर क्यों लेके आता है, हाँ भाई सूरज जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आता है, अच्छा हाँ भाई मुझे सुनो भाई, मेरे पास अगला क्या है, मैं नॉर्मल से तुम्हें बातें बता रहा हूँ जो मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल लेके क्यों आया जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आने का एक जो मेन मकसद होता है, जो न्यू पार्टनर है ठीक है वो पुराने पार्टनर से उनका प्रॉफिट का हिस्सा छीनता है एक तरीके से, ठीक है लेता है तरीके से, ठीक। तो अगर उनका प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, मैं तुमसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए और बी पार्टनर है ठीक है, इनका जो प्रॉफिट ना भाई 1.5 लाख रुपए हुआ, ठीक इनका प्रॉफिट 1.5 लाख है, अगर ये इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं, ठीक है बोलो मैंने इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो इनमें नॉर्मली जो प्रॉफिट बटना चाहिए 75,000 ठीक है और 75,000 ऐसा बटना चाहिए भाई। लेकिन अगर सी जो है, सी न्यू पार्टनर आ गया फिर भी मान लो जो तीनों के तीनों है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए बी और जो सी है, अगर इनका जो न्यू पी एस आर है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 है मान लो है, ठीक। तो अब जो है जो प्रॉफिट तुम्हारा दो जनों के बीच में बट रहा था कितने बटेगा वो 3 में, तो इन दोनों बंदों ने 25,000 से सैक्रिफाइस किया, ठीक ये पागल तो है नहीं, ये पागल तो नहीं है ना भाई। मैंने हमेशा बताया कि मतलब कि ना अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होता हमारे पार्टनरशिप के अंदर, जब मैंने थ्योरी करवाई थी स्टार्टिंग में, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं इनका कुछ ना कुछ चाहिए होगा, ठीक। तो जब कुछ ना कुछ चाहिए इनको, ठीक है जो इनको कुछ ना कुछ चाहिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहे हैं, पता क्यों, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से ही मतलब कि जो गुडविल है ना जो इन दोनों ने बनाई है गुडविल, इसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की हिम्मत आती है, ठीक। जो इनकी फर्म है इनकी गुडविल की वजह से, जो इन दोनों ने मिलके सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको बोलते हैं उसकी वजह से क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं गुडविल की वजह से और किसी तीसरे बंदे को ऐसे जोड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए उनसे प्रीमियम फॉर गुडविल मंगवाता है, ठीक है। न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू कंपनसेट द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है उसने जितना भी सैक्रिफाइस किया है उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या भाई प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाता है। किसी ने पूछ लिया ना, मुंह नहीं बनना चाहिए किसी का, दोबारा बोलो किसी के लिए, किसी को बोलवाना दोबारा, हाँ हाँ स्टार्टिंग में लिखा आएगा, नॉर्मल सी बात है भाई। एक शॉर्ट लास्ट बोला हूं मैं कि जो न्यू पार्टनर है प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, जो पुराने पार्टनर ने अपना सैक्रिफाइस किया ना उस सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए, जो उसने सैक्रिफाइस किया है उस सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है। यहाँ सुनो भाई, अगर मैं तुमसे यहाँ बोल दूं कि अच्छा जो जितना जितने सैक्रिफाइस किया ना उसमें उतना ही बटेगा, ठीक, जो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, ठीक है, जो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल जितना लेके आया है उसी के हिसाब से देखेंगे। तो हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, एक मिनट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये तुम्हारा हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होता है, ठीक है इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। तो भाई क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हाँ भाई इसमें किसी को कुछ बोलना है यहां तक, जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट उसको डेबिट कर दिया और जो पार्टनर है उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक, ये तुम्हारी इसकी एंट्री है अगर हम कभी भी उसको बांटते हैं तो। ठीक है, अगर इसमें भाई कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल दो कि हाँ भाई हमें कोई चीज़ पूछनी है, ये चीज़ नहीं पूछनी। ठीक है ना, अब सुनो भाई, एक तुमसे सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ कि जब तक बोल सकते हैं अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक तुमसे बोला नहीं जाता जो तुम्हारे पास पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी मेंटेन, किसको बोलते हैं भाई, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या बोला मैंने? जब तक तुमसे ना बोला जाए क्वेश्चन के अंदर, जब तक तुमसे क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला जाता है तब तक तुम ये एज्यूम कर चलोगे कि वी आर फॉलोइंग कौन सा मेथड भाई, फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग क्या चीज? हाँ भाई बात समझ आ रही है? हम क्या मानेंगे कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें बोलना है किसी को कुछ? ये तुम्हें एंट्रीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बाकी बात रही क्वेश्चन की वो तुम खुद करोगे। अच्छा, कोई ये चाहता है कि मैं बता दूं इसके ये जो अमाउंट है इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करते हैं? सुनो भाई, सबको पता है कि मेरे पास सिर्फ ये अमाउंट जाएगा और जो न्यू पार्टनर है उसका जो तुम्हारे पास क्या है, जो उसका कैपिटल का अमाउंट सिर्फ ये जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये तुम्हारा है पार्टनर्स का, एक मैं साइड का छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड की वैल्यू हमारे पास है नहीं, जो डेबिट साइड है उसमें हमें कुछ करना नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ सुनो, ये मान लो ये रहा ए तुम्हारा, ये रहा बी, ये रहा सी। भाई ये ना नीचे कर दूंगा, यहाँ पे दिख जाएगा, इतने में दिख जाएगा आराम से। ये तुम्हारा पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है, यहाँ तुम्हारा पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक, अब सुनो, यहाँ पे सबसे पहली चीज तुम सबको एक बातें पता है कि मेरे पास जो पहला आएगा बाई बैलेंस बी डी, मान लो ए और बी तुम्हारे पुराने पार्टनर थे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या ओल्ड है, और जो तुम्हारा सी है वो क्या है न्यू है, ये तुम्हारा क्या न्यू पार्टनर है। ठीक, समझ रहे हो ना, ए और बी तुम्हारा ओल्ड पार्टनर है और तुम्हारे पास जो सी हो क्या भाई न्यू पार्टनर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ए और बी का बैलेंस तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, जो सी है, जो तुम्हारे पास सी है उसका मेरे पास बैलेंस आना चाहिए कैपिटल का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश या बैंक, कैश या बैंक। तो सी का जो भी तुम्हारा अमाउंट होगा वो तुम्हारा उसके कैपिटल में। भाई ध्यान रखकर चलना, अब दिन पे दिन तुम्हारी जो क्लास है थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। ठीक, क्योंकि ना वो उसको बोलते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने इसलिए कहा था कि पिछले चैप्टर से गोल के पीछे रहो, तो जो करता है जिसका छूट रहा है छूटेगा, देख लेना। सो तो कैश या बैंक मेरे पास डेबिट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला जो मेरे पास क्या भाई, तुम सबको पता है प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या बट जाता है। अच्छा भाई यहाँ सुनो, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये मेरे पास कौन से एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, और ओल्ड पार्टनर बताए। ठीक है, बात समझ आ रही है? सुनो, अब मैं क्या बोल दूँ कि यहाँ पे जो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है सैक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सैक्रीफाइसिंग पार्टनर बोला है मैंने, ओल्ड पार्टनर नहीं बोला, क्योंकि कभी कभार जो हमारे पास क्या है कि पुराने पार्टनर भी गेन कर जाते हैं, कभी कभार पुराने पार्टनर भी गेन कर लेते हैं। ठीक है, यह सुनो, तो जो सैक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल मेरे पास यहाँ पे कर रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी तुम्हारे सैक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, उनके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें कोई बोलना चाहता है भाई कुछ भी यहां तक? ये तुम्हारी नॉर्मल सी बातें होंगी तुम जब भी करते हो तब। ठीक, फिर इन सबको ऐड करके यहां पे लिख दोगे, ये तुम्हारा क्या कि जो न्यू कैपिटल बन जाएगी बन जाएगी। इसमें कुछ पूछना है अब? ये तुम्हारे मैंने बता दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे जाता है। अब सुनो,
भाई नेक्स्ट मेरे पास जो अगला है, मैं तुम्हें एक अगला टॉपिक करा रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा हो जाए, मतलब अभी मेरे पास पहला दूसरा पॉइंट चल रहा है, सिर्फ दूसरा पॉइंट चल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो मेरा पुराना पार्टनर है, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर है, वो भी नए पार्टनर के एडमिशन पे गेन कर जाता है। ठीक है, पास में आ रही है ये पर टॉपिक हो सकता है चलो। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा केस करा रहा हूँ इसी के अंदर, जिसमें बोलूंगा भाई कोई एक पुराना पार्टनर है वो गेन कर जा रहा है। क्या बोला मैंने? कोई मेरे पास एक पुराना पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है इसके अंदर। हाँ भाई, मैं इसमें एक केस बता रहा हूं, व्हेन एन ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन, जब मेरे पास कहता है व्हेन एन ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन, जब मेरा क्या भाई पुराना या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या भाई गेन करता है एक तरीके से, बस मारिए। वो गेन कैसे कर सकता है, मैं तुम्हें इसको एक एग्जांपल की हेल्प समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास, अच्छा भाई एक बात ध्यान रखे चलना कि अगर पुराने पार्टनर ने गेन किया है, सब थोड़ा फोकस करो, अगर पुराने पार्टनर ने गेन किया है तो नॉर्मल सी बात समझ जाना कि जो पुराना पार्टनर है, ठीक, उसने जितना गेन किया है, उसने जितना भी गेन किया है वो भी सैक्रिफाइजर को, जो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर है, ठीक, वो क्या उसको भी अमाउंट देगा। जितना उसने गेन किया ना, जितना अमाउंट उसने गेन किया उतना वो टोटल वैल्यूड गुडविल का, ठीक है, जो वैल्यूड गुडविल निकालेगा उसको, सबको निकालना आता ना, ठीक है, वैल्यूड गुडविल निकालेगा, जितना उसने गेन किया है उतना अमाउंट वो पुराने पार्टनर को, मतलब जो सैक्रिफाइजर है उसको दे देगा। समझा कुछ? इसमें कौन नहीं समझा? नॉर्मल सी बात है, जितना गेन करेगा उतना अमाउंट वो सैक्रिफाइजर को देगा। ठीक है, मेरे पास ए और बी, मेरे पास क्या भाई पार्टनर ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास जो भाई 4:1 है। ए और बी पार्टनर मेरे पास पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:1। इन्होंने एडमिट किया है सी को पार्टनरशिप में 1/3 के लिए। सी जो है न्यू है, ये 1/3 लेगा, ठीक, 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। उसके बाद कह रहे भाई ये एग्री हुए हैं, भाई इन सबने तीनों ने सोचा है कि ए बी सी क्या है, ए बी और सी इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनका इक्वली होगा। ठीक है, एडमिट होने के बाद इन तीनों ने क्या सोचा कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हुआ भाई? इक्वली। अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होता है तो मैं क्या समझूंगा? इसका सैक्रिफाइसिंग गेन निकालूंगा। निकालो स्पीड में, कोई भी जना स्पीड में निकालो, इनका जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग है जल्दी निकालो, जल्दी कौन निकाल रहा है? हम निकाल देगा तुम भी, चलो देख लो भाई, मतलब तुमसे साथ में करते रहो, मैं यहाँ पर कुछ और कर रहा तक। तो मेरे पास भाई यहाँ पे बताया गया है कि जो जो न्यू पार्टनर है जो सी है वो क्या लेके भाई 50,000 गुडविल लेके आया है। ठीक, वो क्या है 50,000 गुडविल के लिए लेके आया। एक मिनट, हाँ भाई ये इसका सिर्फ सुनो भाई, इसका सिर्फ गुडविल के बारे में बता रखा है, इसकी सिर्फ जो गुडविल है वो बता रखी है, यहाँ सुनो सब। तो जो सी प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया कितना लेके आया भाई? 50,000 रुपये लेके आया। ये बात समझ आ रही है? सी कितना लेके आया? 50,000 रुपये। अब यहाँ पे भाई निकाला नहीं निकाला किसी ने? किसका निकला? नहीं मतलब कि इनका निकला सैक्रिफाइसिंग या नहीं? बी गेन कर रहा है, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ऐसा दोनों यहाँ लिख रहा हूँ, ए है बी है। ए कितना भाई? ए का 4/5 है, ठीक है, और इसका 1/5, कितना? 1/3 माइनस करना है, इसका भी 1/3 कितना आ रहा है? इसका 12/7/15, तो इसका भी 7/15 आ रहा होगा। इसका माइनस है, माइनस किसका है? नीचे वाले का माइनस है। ठीक है भाई, ऊपर वाला सैक्रिफाइस करने चाहिए। अगेन देखो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अच्छा यहाँ पे दो है, और भाई जो सी है, यहाँ सुनो,
सी का पहले जीरो था उसका एक बटे तीन, तो इसने एक बटे तीन से क्या है इसका तो एक बटे तीन गेन होगा। नीचे का नंबर मैच कर दूं, जो नीचे का नंबर उसको मैच कर देना पहले, ठीक है कितने पांच से होगा पांच पांच, हाँ भाई ठीक है पांच बटे पंद्रह गेन सेक्रीफाइस के बराबर है। तो देखो ये तो बंदा पैसे ले आया, ये बंदा पैसे लेके आगे कितना लेके आया पचास हजार रुपए, इस बंदे ने गेन किया बी ने गेन किया ना, तो इसको भी चलाना पड़ेगा लेकिन कितना लेके आएगा पता किसी को। अब निकालते हैं भाई जितना इस बंदे ने गेन किया ना उसका शेयर, ठीक है सुनो। तो इसका अगर हमें कभी भी करना होता है तो हम बोल देंगे कैलकुलेशन ऑफ, सुनो हमें अपने अमाउंट ब्रिंग बाय बी फॉर हिस गेन टू कंपनसेट, टू कंपनसेट किसको भाई कंपनसेट किस करेगा ये ए को, टू कंपनसेट ए क्या बोला मैंने भाई जो बी है ठीक है बी ने जितना गेन किया है जितने अमाउंट उसने गेन किया है वो सारा का सारा अमाउंट किसको देगा भाई वो ए को देगा। सुनो इसको निकालने के लिए जो बोल सकते हैं बी का गेन बीस गेन, यहाँ सब फोकस कर लो अपनी नजरें हटा लो नोटबुक से और यहाँ पे रखो सब इंग्लिश से बोलूं। सुनो मेरे पास कितना लेके आया भाई पचास हजार लेके आया, पचास हजार लेके आया, इसका उल्टा इसके शेयर का उल्टा तीन बटे एक ठीक कितना एक लाख पचास हजार, एक लाख पचास हजार, एक लाख पचास हजार का निकाल दो कितना बंदे ने गेन किया दो बटे पंद्रह कितना किया ना तो दो बटे पंद्रह, पंद्रह से पंद्रह काटा कितना आ रहा है दस हजार गुने में दो कितना आ रहा भाई बीस हजार, ये बीस हजार किसको देगा एक को देगा। एंट्री पास करो उसकी नॉर्मल सी, इसकी एंट्री नॉर्मल सी पास होगी बस वो कर दे रहा हूं ठीक है। इधर कर रहा हूं भाई ये सबको और करना है नॉर्मल सा भाई, अगर मैं इसकी नॉर्मल सी एंट्री की बात कर दूं तो पहले वो पैसे लेके आएगा, पैसे की एंट्री हो जाएगी जब वो पैसा लेके आया ठीक है, ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेके आया ना, सी प्रीमियम फॉर गुडविल, सी ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो भी तुम्हारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है उसकी बात चल रही है। सुनो भाई तो कितना लेके आए पहले कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक का अकाउंट डेबिट कितने से पचास हजार से, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पचास हजार ठीक है। इसमें कोई कुछ बोलना चाहेगा भाई आगे बढ़े उसके, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, दूसरे में क्या कर रहे हैं जो हम बोल सकते हैं कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसकी पेमेंट की जा रही है ठीक, बोल सकते हैं मतलब कि कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ठीक है। तो मेरे पास क्या है अगला जो है कंपनसेट टू, क्या नाम है इसका किसने क्या भाई ए ने ठीक है कंपनसेट टू ए, सबसे पहले मेरे पास क्या है प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 ठीक है ये आएगा ना। और फिर अगला कौन है भाई बी ने क्या ना बी ने गेन, तो 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 20,000 और किसको देंगे भाई ए को, टू एज कैपिटल अकाउंट कितने से 70,000। अगर इसमें कोई भी अटक रहा है तो मुझे बता दो एक बार, अगर इसमें कोई भी अटक रहा है तो बताओ एक बार भाई, किस बी को क्योंकि बी ने गेन किया ना ठीक है। हाँ भाई एनीवन और कोई कुछ बोलना चाहेगा,
बोल दो भाई, अगर किसी को कुछ बोलना है तो। नहीं बोलना, सुन जाओ। अच्छा मैं तुम्हें ना एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी तुम्हारे पास क्या है कि एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, क्या बता रहा हूँ मैं इसको, बोल सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट है, जिसको अभी कर रहा हूँ बाद में कर रहा हूँ, किसी का ओवरलोड तो नहीं हुआ? हाँ भाई, किसको लग रहा है? सुनो, वैसे पहले मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको क्या लेके आना है। सबसे पहले तुम्हारे पास भाई, जिसके पास भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 तक करके लेके आना है। अगर मैं नॉर्मल सी बातें बोल दूं, नई वाले भी दिखा दो एक बार। हाँ भाई, ये तुम्हारे पास ना इलस्ट्रेशन 24 टीएस ग्रेवाल, ठीक, 5.21 पेज से पहले पहले तुम्हारे पास है। अगर किसी को कुछ पता नहीं लगा कि भाई क्या चल रहा है, तो तुम्हारे पास एक टॉपिक आएगा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक। पहले यहां तक के सबके क्वेश्चन हो जाएं, अगर इसमें कोई भी अटकता है तो भाई थोड़ी नहीं ज्यादा दिक्कत आएगी इसको। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे तुम्हारी क्लास छूटेगी, जैसे तुम्हारी क्लास छूटती है और तो वैसे दिक्कत बढ़ती जाएगी, तो ये सबका हो जाना चाहिए। और कॉपी चेक करो सब।